राजस्थान के अजमेर जिले की केकड़ी तहसील के छोटे से ग्राम गुलगांव में 19 जून 1959 को हास्यमेव जयते के उद्घोषक, हास्य के सिरमौर विश्वविख्यात कवि श्री सुरेंद्र दुबे जी 1 जनवरी 2018 को इस भौतिक संसार से विदा हो गए, किंतु उनकी अमर स्मृतियां, सदाबहार कविताएं, श्रेष्ठतम गीत और उन्मुक्त अट्टहास हर काव्य प्रेमी श्रोता को सदैव स्मरण रहेंगे। ऊंची चीज होते हैं, खरीदार को एक पेड़ पे टांग देते हैं, बेचने वाले को दूसरे पेड़ पे टांग देते हैं, फिर चुपचाप देखते रहते हैं कि खाद किसकी ज्यादा चल रही है। अपनी जीवंत उपस्थिति और कविताओं से श्रोताओं को हंसाने, गुदगुदाने और आत्मविभोर कर देने वाले कविवर सुरेंद्र दुबे देश के अनेक नामी कवियों के प्रेरणा पुंज भी रहे। भारत ने कोई आविष्कार किया हो तो बताओ, वरना हमारा दिमाग मत लगाओ। मैंने कहा अमेरिकन सुन, संसार को तो सर्जरी का कॉन्सेप्ट ही इंडिया ने दिया था। कोई बता गणेश जी का ऑपरेशन क्या तेरे को बात नहीं किया? काव्य के सभी रसों में निष्णात श्री सुरेंद्र दुबे का आकस्मिक निधन प्रत्येक श्रोता और देश भर के साहित्य प्रेमियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे अकेले ही संपूर्ण कवि सम्मेलन हुआ करते थे। सर्वोच्च हास्य कवि पुरस्कार एवं देश विदेश में अनेक सम्मानों से सम्मानित रहे श्री सुरेंद्र दुबे को राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों सहित अनेक देशों की कई बार उन्होंने काव्य यात्राएं की। आओ श्रीमद् भगवत गीता का श्रेष्ठ काव्य अनुवाद जो अभी अप्रकाशित है, उनके जीवन की विशिष्ट उपलब्धि रही। गीता को यूं भी पढ़ना कभी कि मनुष्य की देह कुरुक्षेत्र है, मन अर्जुन है, आत्मा श्री कृष्ण है। मन पर आत्मा का नियंत्रण गीता का उपदेश है। हाय हाय, वाह 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 वाह। मान सका आठ से जो कहा है कृष्ण सके ये यादव जो, प्रेम प्रमाद से भी मैंने नहीं जान आपकी महिमा को, सका समक्ष अकेले में अपमान हास्य हित किया है जो, क्षमा कराता हूं मैं अच्युत हे अचिंत्य आपसे वो, गुरु से भी बड़े अति पूजनीय हो पिता चराचर इस जग के, आप समान अनुपम प्रभाव दूजा त्रिलोक में हो कैसे, चरणों में करता हूं प्रणाम हे देव क्षमा कर दो ऐसे, पुत्र को पिता सखा को सखा प्रिया को पति सहता जैसा। हाय हाय, दुबे जी ने YouTube और फिल्म के लिए भी टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स के लिए अनेक गीत लिखे। YouTube पर उनके प्रमुख व प्रसिद्ध गीत हैं जरा सा चहकेंगे, जरा सा महकेंगे, जरा सा बहकेंगे और मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा, मैडम तेरे तक श्री नीरज शर्मा द्वारा रिकॉर्डिंग का कार्य प्रगति पर है जो इसी वर्ष सन 2019 में रिलीज हो जाएगा। कवि सम्मेलनों में अभिनव प्रयोगों की प्रणेता रहे श्री सुरेंद्र दुबे ने कवि सम्मेलन समाचार के नाम से एक विशिष्ट पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया जो हिंदी कवि सम्मेलनों की एकमात्र पत्रिका है। ये कवि सम्मेलनों के इतिहास की अभूतपूर्व उपलब्धि है। उक्त पत्रिका में प्रकाशित सामग्री, उनके द्वारा लिखे गए संपादकीय लेख, कवि सम्मेलनों एवं काव्य जगत के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। देशभक्ति में हास्य के नव प्रयोगों के साथ साथ अपने अंतिम समय में उन्होंने संवेदनाओं से भरे अमर गीतों की रचना की। उनके द्वारा लिखे गए विलक्षण गीत हिंदी साहित्य की ऐसी संपदा हैं जो उन्हें हिंदी गीतकारों में शीर्षस्थ स्थान पर प्रतिष्ठित करती हैं। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्हीं के नाम पर एक स्मृति संस्थान की स्थापना कर ये संकल्पना की गई कि संपूर्ण कवि
एवं गीतकार रहे श्री सुरेंद्र दुबे की स्मृतियों को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए अन्य विशिष्ट कार्यों के अलावा प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में 1,11,111 रुपए की राशि से देश के किसी वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार को सम्मानित किया जाए। निजी स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में ये संभवतः वर्तमान में सर्वोच्च राशि का सम्मान होगा। यह आयोजन उस महामना को समर्पित करते हुए द्रवित मन से हम अपनी कृतज्ञता के भाव सुमन उन्हें सादर समर्पित करते हैं। आप सभी साहित्य अनुरागी श्रोतागण इस भावपूर्ण आयोजन में अपनी जीवंत सहभागिता प्रदान करें। जो भी कहना है वो कह दो, फिर नए अवसर मिलेगा। जा रहा हूँ दूर, इतना मिल न पाऊंगा बिछुड़ कर। जो भी कहना है वो कह दो।